वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे फूड के चैप्टर पार्ट थर्ड, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट जो है सेकंड फूड चैप्टर को देखा था पिछले वीडियो में। ठीक है, ये EBS के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो जो CTET, JTET, PT और जो भी अदर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत फुल हेल्पफुल ये जो है चैप्टर है, तो इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ें ताकि नंबर फिर वो अच्छे से अचीव कर पाएंगे और एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और शेयर करें ताकि जो भी करना चाहते हैं स्टूडेंट तैयारी अच्छी तरीके से वो पढ़ पाए और कर पाए। ठीक है, और सब्सक्राइब चैनल को करें ताकि डेली अपडेट्स जो भी हमारे चैनल के माध्यम से होती है चीज़ों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले अवेलेबल हो पाए। ठीक है, चाहे वो लाइव क्लासेस की बात करें या रिकॉर्डेड, हमारे क्लास जो है चैनल में डे बाय डे आपको हर तरीके की जो है क्लासेस की वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग ने लास्टली देखा था प्रोटीन के कार्य को। ठीक है, उसके आगे के पॉइंट्स को अब हम लोग देखेंगे। तो शरीर की नेक्स्ट जो है पॉइंट, शरीर की क्षतिपूर्ति एवं रखरखाव के लिए उपयोगी। हमारे शरीर की कोशिकाओं में हमेशा क्या होता है, निरंतरण कंटिन्यू जो होता है टूट फूट होती रहती है, इसलिए क्षतिपूर्ति जो है आवश्यक है। तो इसकी क्षतिपूर्ति कौन करता है, यहाँ पे प्रोटीन। जब हमारी कोशिकाओं में कुछ कारण से टूट फूट हो जाती है तो इसकी मरम्मत कौन करता है, प्रोटीन करता है। ठीक है, शरीर की इस क्षतिपूर्ति के लिए प्रोटीन सहायक है। ये शरीर के नए तंतुओं के निर्माण तथा टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, इसलिए यदि कोई दुर्घटना व शरीर में चोट लग जाए, ठीक है, कट जाए या जल जाए, तो शरीर में पुनः स्वस्थ होने के लिए उसे अतिरिक्त मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसमें जो प्रोटीन योगदान देता है, ठीक है, किसी कटे स्थान से बहने वाले रुधिर यानी ब्लीडिंग को रोकने में प्रोटीन सहायक होता है। और कौन सी प्रोटीन, फाइब्रिन नामक प्रोटीन होता है जो रुधिर को बहने यानी ब्लीडिंग को रोकता है, और इस फिर क्या होता है, धक्का जमाने का कार्य भी यही करता है, जिससे रुधिर का रुकना जो है संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं, शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में कुछ तत्वों की, जैसे बात करें वसा तथा कार्बोज, प्राप्त नहीं हो पाती है, उचित आहार किसी कारणवश जब शरीर को नहीं मिल पाता है जिसमें वसा तथा कार्बोज की मात्रा जो है कम हो जाती है, तो फिर उसमें शरीर क्या करता है, प्रोटीन से ही ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान शरीर को जो है अवेलेबल हो पाता है, शरीर को प्रदान किया जाता है प्रोटीन से ही ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, एंजाइम तथा हार्मोन्स के निर्माण के लिए उपयोगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या होता है, शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए क्या करता, किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, एंजाइम्स तथा हार्मोन्स का विशेष महत्व होता है। इस पे जो क्या होता है, शरीर डिपेंड रहता है, कोई भी कार्य एंजाइम्स तथा हार्मोन्स के थ्रू ही शरीर में होती है। ठीक, शरीर के लिए उपयोगी विभिन्न नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के निर्माण में भी प्रोटीन सहायक होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रोग निरोधक क्षमता की, अगर बात करें तो इसमें भी सहायता प्रोटीन करता है। ठीक है, जिससे कि हमारे शरीर को रोगाणुओं के आक्रमण से बचाया, यानी कि बचाने में हेल्पफुल होता है, एंटी कहे तो बॉडी का काम ये करता है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है हमारे शरीर को। नेक्स्ट है, विभिन्न क्रियाओं में भी सहायता करता है, रुधिर के प्रवाह को सुचारू बनाने में, यानी कि रुधिर यानी ब्लड को शरीर में बात करें तो संचालन में बहुत योगदान रहता है प्रोटीन का। शरीर के रुधिर संगठन को भी संतुलित बैलेंस रखने में भी प्रोटीन क्या करता है, अपनी भूमिका अदा करता है। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रोटीन की कमी, यानी कि इफेक्ट ऑन डिफेंस ऑफ प्रोटीन, इसकी कमी से क्या रोग होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण लक्षणों की एक लंबी श्रृंखला है। ठीक है, जिसके एक तरफ मरास्म्स है जो ऊर्जा भी प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होता है, ये रोग है। ठीक है, दूसरी ओर क्वासियोरकर है जो कि प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होता है, तो ये क्या है, मरास्मस। तो यह रोग उस स्थिति में होती है जब बच्चे के आहार में प्रोटीन की कमी के साथ ऊर्जा या कैलोरी की पोषण की भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो फिर मरास्मस नामक रोग उत्पन्न होने का जो है चांस होता है। इस रोग से ग्रस्त बच्चे में क्या होती है, लक्षण, वृद्धि रुक जाना, ठीक है,
उल्टी दस्त जैसी शिकायत, दिन ब दिन सूखते जाना, ठीक है, यानी कि शरीर में जो लाइटिंग है, ब्राइटनेस है, वो कम हो जाता है, और साथ में ये क्या ड्राई होने लगता है शरीर, दिन ब दिन सूखते जाने जैसी जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, शरीर में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद है पानी की कमी हो जाती है, सामान्य से कम ताप जो टेम्परेचर होना चाहिए शरीर का वो जनरल से भी मतलब नीचे चला जाता है, बिलो हो जाता है। पेट का सिकुड़ना भी यहाँ पे जैसे शिकायत उत्पन्न हो जाती है, और साथ ही साथ गैस से फूलना भी, कमजोर मांसपेशियाँ आदि जो है लक्षण स्पष्ट रूप से मारास्मस रोग में उत्पन्न होती है। ठीक है, क्वासियोरकर की अगर हम बात करें तो इस रोग में जो है उस स्थिति में जो है बच्चे को आकस्मिक रूप से दूध मिलना बंद हो जाता है। ठीक है, यह तब होता है जब बच्चे के लिए क्या हो जाता है, दूध वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाता है, और यह वो समय होता है जब बच्चे के लिए केवल दूध ही प्रोटीन के उत्तम जो है साधन के रूप में होता है। यह रोग में बच्चे की सामान्य वृद्धि रुक जाती है, इसके लक्षण है सारे अगर बात करें शरीर पर, विशेष रूप से चेहरे पर क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है, यानी कि शरीर फूल जाता है, बच्चे का स्वभाव जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, और बालों और चेहरे की स्वाभाविक जो है चमक घटने लगती है। तो ये जो है प्रॉब्लम यहाँ उत्पन्न हो जाता है, त्वचा रूखी हो जाती है और ड्राई यानी शुष्क हो जाती है। ठीक है, खून की कमी हो जाती है, अतिसार की शिकायत भी यहाँ पे उत्पन्न होती है, भूख का घटना, भूख नहीं लगता है जनरली, रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी घटना प्राय देखा जाता है, जैसे अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी तो बीमारी अन्य बीमारी का अटैक होने का खतरा ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, तो ये क्वासियोरकर जैसे रोग में ये सब लक्षण पाए जाते हैं, अगर प्रोटीन सुचारू रूप से शरीर को नहीं मिले तो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, इसमें वसा जो है, तो आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रोटीन को पढ़ा, अब हम लोग का मेन जो है वसा का पॉइंट आता है, फैट। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के समान कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने देखा ये CH और O से मिलकर बना होता है, इसी तरह वसा भी है, वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, वसा हमें गर्म रखने के लिए त्वचा में संचित हो जाती है, यदि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कोई पदार्थ तरल होता है तो उसे तेल कहते हैं, याद रखिएगा 20 डिग्री सेल्सियस में तापमान पर कोई पदार्थ अगर लिक्विड हो जाता है तो उसे तेल कहते हैं, परंतु जब इसी तापमान पर कोई पदार्थ ठोस होता है तो उसे वसा कहते हैं, यानी कि लिक्विड का अगर पोर्शन रहेगा तो वो तेल की जो है कैटेगरी में आएगा, और अगर हम बात करें ठोस की अगर जो है पोर्शन में है तो वो वसा का रूप होता है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन में वसा की उपस्थिति जो है भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, परंतु पचने में बहुत समय लेती है, इसलिए हमें वसायुक्त भोजन करने के बाद बहुत समय तक भूख नहीं लगती है, क्योंकि इसको पचने में टाइम लगता है। अत्यधिक वसायुक्त पदार्थ हमें मोटा और आलसी बना देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट, वसा का संगठन। ठीक है, वसा एक कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि एक कार्बनिक यौगिक है, वसा का संगठन कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों के रासायनिक संयोग से होता है। वसा के निर्माण, इसका जो जैसे हम लोगों ने अभी आगे देखा, ठीक है, ये एक कार्बनिक यौगिक के साथ ही इसका जो बना हुआ है ये किन तत्वों से, तो कार्बन से बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन तत्वों के रासायनिक संयोग से ये बना होता है वसा। ठीक है, वसा के निर्माण में जो है ग्लिसरॉल पदार्थ के एक वसीय अम्ल के संयोजन से होता है, इसमें जो है ग्लिसरॉल पदार्थ का भी बहुत योगदान अहम है, जिससे कि वसीय अम्ल के संयोजन से वसा का निर्माण होता है। तो यहाँ तक बात हो गई वसा के निर्माण की, अब हम इसके प्रकार की ओर बढ़ते हैं। वसीय अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है,
संतृप्त वसी अम्ल और एक क्या है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त वसी अम्ल। संतृप्त वसी अम्ल जो है मुख्य रूप से ताड़ तथा नारियल के तेल में मिलता है, ठीक है। ताड़ जो है, ताड़ के पेड़ से हमें ताड़ तथा का तेल तथा नारियल के पेड़ से हमें नारियल के तेल मिलते हैं। असंतृप्त विलयन में अगर हम वसी अम्ल की अगर हम बात करें तो अधिकतर असंतृप्त वसी अम्ल जंतु वसा में मिलता है, जो हमें जंतु के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। तथा सामान्य ताप पर ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। जैसे मक्खन की बात करें तो ये ठोस होते हैं, ठीक है। वसा के प्रकार को अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये जो है वसा के प्रकार हम लोगों ने देखा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे स्रोतों के आधार पर वसा के कितने प्रकार है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है जंतुवी वसा तथा सेकेंड है वनस्पति वसा। जंतु वसा दूध, पनीर, अंडा तथा मछली में पाया जाता है, ठीक है, जो हमें जंतुओं के द्वारा प्राप्त होती है, जंतुओं को खाने से या फिर जंतुओं के द्वारा, ठीक है। वनस्पति वसा जो है ये क्या पेड़ पौधों से जनरली मिलती है, जैसे वनस्पति तेलों, अखरोटों, बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों वे तिल आदि में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमें वनस्पति से मिलती है। वसा की कार्य की बात करें तो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी क्या होती है, यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा का संग्रह। शरीर में अतिरिक्त वसा की मात्रा अगर वसी तंतुओं में उपस्थित रहती है, ठीक है। शरीर का तापक्रम भी ये क्या करता है, वसा नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक। वसा में घुलनशील विटामिन की अगर प्राप्ति की बात करें तो इसमें जो घुलनशील विटामिन है, तो ए विटामिन है, डी विटामिन है, ई विटामिन है और के। अवशोषण के लिए वसा आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, आवश्यक वसीय अम्ल प्रदान करना। शरीर के लिए कुछ आवश्यक जो है बात करें तो वसीय अम्ल संश्लेषित नहीं हो पाते हैं, इसकी पूर्ति कौन करता है, भोजन के द्वारा होती है, ठीक है। इनकी कमी से त्वचा से संबंधी रोग हो जाते हैं, तो ये हमें भोजन के द्वारा क्या होती है, हमारे शरीर को प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करें शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करना। तो वसा शरीर के कोमल अंगों जैसे वृक्क हो गया, हृदय आदि के बाहरी गुदेदार जो संरचना बनाकर बाहरी आघातों से हमें क्या करती है, रक्षा करती है, यानी कि चोट लगने से हमें क्या करती है, ये सहायता करती है, ठीक है। अधिक अवधि तक संतुष्टि प्रदान करना, ठीक है। ये क्या करती है, अगर हम लोग वसीय भोजन करते हैं तो फिर ये अधिक अवधि तक हमें क्या करती है, भूख से राहत मिलता है कहीं, एक तो एक तरीके से मतलब भूख नहीं लगती है, ठीक है। उसको खाने से क्या होता है, बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब हम लोग आगे के पॉइंट्स को वसा के देखते हैं कि और क्या क्या इनके फंक्शन कार्य है हमारे शरीर में, ठीक है। अधिक अवधि तक संतुष्टि प्रदान करना। वसा जो है पाचक रसों के स्राव को धीमा करती है, अतः अत्यधिक देर तक भोजन की संतुष्टि महसूस होती है और भूख जल्दी नहीं लगती है। जैसे कि अभी हमने इस पॉइंट्स की बात करी, क्या पाचक रसों के स्राव को धीमा कर देती है, यानी कि उसको पचने में बहुत टाइम लगता है। अगर हम लोग कोई वसीय चीज़ अगर अपने भोजन में लेते हैं तो उसको पचने में कुछ टाइम लगता है, जिससे हमें बहुत देर तक भोजन क्या करते हैं, भूख नहीं लगती है, जिससे भोजन नहीं करते और भोजन की संतुष्टि हमें महसूस होती है कि हाँ ठीक है, ठीक है। प्रोटीन की बचत करना। शरीर में प्रोटीन मुख्य निर्माणक तत्व है, यदि कार्बोहाइड्रेट द्वारा ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो पाती है तो यह कार्य प्रोटीन करता है, पर यदि शरीर में वसा उपस्थित है तो वह प्रोटीन को ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त होने से रोकती है, इस प्रकार प्रोटीन की बचत होती है, ठीक है। यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा की पूर्ति नहीं कर पाता है किसी कारणवश, हम लोग कार्बोहाइड्रेट अपने आहार में नहीं लेते हैं, तो फिर वो काम प्रोटीन करता है उसमें ऊर्जा और शक्ति देने का। लेकिन अगर वसा रूपी हम लोग भोजन करते हैं तो फिर वो काम वसा करता है और फिर प्रोटीन को क्या करता है, उस संरक्षित करता है, उसके ऊर्जा और शक्ति को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी को वसा जो है उसके कार्य ऊर्जा को उत्पादन करने का कार्य करता है, और प्रोटीन के जो शक्ति और ऊर्जा को संरक्षित रखता है, ठीक है, उसकी बचत करता है ताकि वो फिर किसी और टाइम यूज किया जा सके। भोजन को स्वादिष्ट बनाना।
वसा भोज्य तत्वों को विशिष्ट स्वाद व गंध प्रदान करती है, अतः वसा स्वाद वर्धन का कार्य करती है। तले हुए जो खाद्य स्वादिष्ट लगते हैं, क्योंकि क्या होता है, जनरली इसमें वसा की मात्रा विद्यमान रहती है जिससे स्वाद वर्धन का कार्य करती है, साथ ही स्वाद और गंध भी प्रदान करती है, ठीक है, भोज्य पदार्थों में। इसके बाद जो कार्य है आमाशयिक वे आंत्र मार्गों को चिकना बनाए रखना, आमाशयिक वे आंत्र मार्ग की मांसपेशियों को चिकना बनाए रखने का भी कार्य वसा ही करती है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसके कार्य कि क्या होता है वसा की कमी से रोग और क्या उसकी अधिकता के कारण रोग होता है, ठीक है। डिजीज काउज ड्यू टू लैक और एक्सेस ऑफ फैट। अवश्य के जो है वसीय अम्ल की कमी के प्रभाव से वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। अगर वसीय अम्ल की कमी हो जाएगी तो फिर शारीरिक वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी नहीं होगी, रुक जाएगी। प्रजनन क्षमता में भी क्या हो जाए, हाथ से यानी कि गिरावट यानी कि घट जाएगा, कमी आ जाएगी, तथा त्वचा के विभिन्न रोग जो है वो भी हो सकने की संभावनाएं हो जाती है। बच्चों में प्रौढ़ों में त्वचा की बीमारी में पीठ पेट तथा टांगों में बाह्य तरफ छोटे छोटे नुकीले दाने निकल जाती हैं, ठीक है। इस लक्षण को टाड़े टाड़े त्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टाड़े त्वचा कहते हैं, ठीक है, जिसमें नुकीले दाने बच्चे या बूढ़े के पेट पीठ टांगों में निकल जाती है, इसकी कमी के कारण, वसा की कमी से, ठीक है। और अगर हम बात करें वसा की अधिकता की, तो इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में अधिक लेने से होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल पशु जगत के भोज्य पदार्थों जैसे दूध, क्रीम, मक्खन, पनीर, घी, मलाई आदि में पाया जाता है, तो ऐसे पदार्थ आहार में अधिक लेने से, क्योंकि ये चूंकि वसीय पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं, तो इसको ज़्यादा अगर हम लोग लेंगे तो हमारे शरीर में एक कोलेस्ट्रॉल जो है, ठीक है, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, जो शरीर की रुधिर वाहिनियों की अंदर की दीवार को अवरोधित कर देती है, जिससे रुधिर वाहिनियाँ संकुचित हो जाती है, यानी कि जिससे जो ब्लड की बात करें तो नली जो है, वाहिनियाँ, वाहन जिसके द्वारा ब्लड, जिस नली के द्वारा हमारे शरीर में जैसे कि दाएं अलिंद से बाएं अलिंद में जाती है और बहुत सारी जो भाग हैं उसमें ब्लड हमारा, चूँकि शरीर में आपको पता है ब्लड हर एक भाग में है, तो उसका संचरण में जो है और उसका संचालन में जो है क्या होता है, उसकी नली की दीवारें जो है अवरुद्ध हो जाती हैं, यानी कि क्या होती है, एक तरह से लीकेज बोले तो बंद होने की संभावनाएं उसमें ज़्यादा हो जाती है, जिससे रुधिर वाहिनियाँ क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, और जिस कारण हमारा शरीर का बैलेंस भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिकुड़ने की ज़्यादा चांसेस हो जाती है, और शरीर के बैलेंस भी जो क्या हो जाती है, अनबैलेंस होने का खतरा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। रुधिर का दबाव बढ़ता है, रुधिर का दबाव क्या होता है, रुधिर का दबाव बढ़ता है, इससे दिल का दौरा पड़ने का भी क्या हो जाता है, खतरा होता है। जब हमारी रुधिर वाहिनियों की नली जो है संकुचित यानी सिकुड़ जाएगी तो हमारा ब्लड का फंक्शन जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा, जिससे फिर क्या होता है, वो नलियों की फटने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाती है रुधिर के दबाव बढ़ जाने से, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दिल का दौरा पड़ने का खतरा बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, चलिए अब हम लोग इसके आगे के फंक्शन को देखते हैं। चलिए उसका फंक्शन जो भी था इम्पोर्टेंट वो हो गया, अब हम लोग आगे की मेन पॉइंट्स को देखेंगे। विटामिन, तो विटामिन का जो है ये क्या है, क्या फंक्शन है, इसको हम लोग अब चर्चा करेंगे। विटामिन हमारी आँख, हड्डियों, दांत और मसूड़ों को क्या करती है, स्वस्थ रखने में सहायता करती है, ठीक है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को विटामिन ए, बी, सी, डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है।
विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। याद रखिएगा, विटामिन का एक समूह है जिसमें B1 से B12 तक की विटामिन सम्मिलित रहती है, जिसे हम लोग बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन की खोज जो है 1912 ईस्वी में कासिमीर फंक ने किया था। विटामिन एवं उनके स्रोत, महत्व और उससे होने वाले जो संभावित रोग हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ कैटेगरी वाइज दिया गया है, ठीक है। तो इसमें विटामिन ए की बात करें तो इसको जो है रेटिनॉल भी कहा जाता है, विटामिन ए को। इसका स्रोत ये जो दूध, मक्खन, मछली, अंडा, पालक, गाजर, शकरकंद, आम इत्यादि से प्राप्त होते हैं, ठीक है। महत्व अगर बात करें तो इसका शरीर में क्या कार्य है, क्या सहायता करता है ये शरीर में कार्य करने की, तो इसके कार्य से क्या सहायता मिलती है शरीर को, तो यह शरीर वर्धक है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, आंख, त्वचा और बाल को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है, ठीक है। इसके बाद बात करें इससे होने वाली संभावित रोग, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, सुस्त अक्षिपाक, आँख का रोग, रतौंधी होने लगेंगी, यानी कि रात में जो है दिखाई देने की संभावनाएं कम पड़ने लगती हैं, हमारे आंखों को जो है नहीं रतौंधी हो जाती है, यानी कि रात रतौंधी आप देख सकते हैं उसका वर्ड में है, रात में क्या हो जाता है, अंधा हो जाना, मतलब रात में जो है हमारी आंखों को जो देखने की शक्ति होती है वो कम हो जाती है इसकी कमी से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन बी की, तो फल, अंडा, चावल के छिलके, आलू, बादाम इत्यादि में विटामिन बी क्या होती है, विटामिन बी को थायमिन कहते हैं और ये फल, अंडा, चावल के छिलके, आलू, बादाम में मिलती है, ठीक है। पाचन एवं तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने में ये बहुत मदद करती है। इसकी अगर हम बात करें कमी, ठीक है, तो कमजोरी और बेरी बेरी रोग होती है, शरीर को कमजोरी यानी कि वीकनेस लगती है, शरीर में वीकनेस आती है इसकी कमी से और बेरी बेरी रोग उत्पन्न हो जाती है। बी टू यानी राइफोफ्लेविन, ठीक है, विटामिन जो है हरी सब्जियों, अंडा, यकृत, दूध, इष्ट, मटर, सेम में पाई जाती है। इसके फायदे क्या है, इसको अगर आहार में लेंगे तो त्वचा, नेत्र, मुख का स्वस्थ जो है रखने का कार्य इसका होता है, ठीक है। वृद्धि का अगर हम बात करें इसके अभाव में, तो वृद्धि का अभाव हो जाता है, वृद्धि रुक जाती है शरीर की, नेत्र यानी आँखों की रोग हो जाती है, त्वचा का फटना यानी कि त्वचा ड्राई हो जाती है, कहे तो त्वचा का इसमें जो है प्रॉब्लम उत्पन्न होता है इसकी कमी से, इसलिए इसको आहार में नियमित रूप से लेना चाहिए इसको और बाकी सभी जो भी पौष्टिक विटामिन चीज़ें हैं सबको। बी ट्वेल्व की बात करें तो साइनोकोबालामिन, ये जो है दूध, मांस, मछली, यकृत एवं फल इत्यादियों में पाई जाती है। इसकी जो शरीर में योगदान है ये क्या करता है, उचित वृद्धि करता है शरीर को एवं रुधिर कोशिकाओं के लिए भी क्या करता है, ये काम करता है संचालन करने का, ठीक है। इसकी कमी की बात करें तो इसकी कमी से जो है लाल रुधिर कोशिकाएं यानी कि RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स एवं हीमोग्लोबिन में कमी आ जाती है, अरक्तता की प्रॉब्लम हो जाती है यानी कि शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड जिसे कहते हैं, ये जो है नींबू, संतरे, सब्जियाँ, आंवला एवं अमरुद में पाई जाती है, ठीक है। इसकी जो कार्य है शरीर में, जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करता है, एंटीबॉडी का कार्य करता है, दांतों तथा हड्डियों के सामान्य रूप से कार्य करने के लिए जो है ये सहायता करता है। और इसकी कमी की बात करें तो इसकी कमी से है मसूड़े फूल जाते हैं और यानी कि स्कॉर्बिक रोग जो है यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ पोर्शन है जीके का उसको भी कर लेते हैं आज का, ठीक है। आज हम लोग झारखंड के जीके को देखेंगे, तो इसमें पहला है भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे, तो गंगा नारायण सिंह थे। पलामू क्षेत्र के किस शेरों राजा को 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था, मेदिनी राय। थर्ड है 12 हजारी एवं 13 हजारी के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है, तो चेरो जनजाति जो है 12 हजारी और 13 हजारी जनजाति के नाम से जानी जाती है। फोर्थ है झारखंड में 2011 ईस्वी में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या था, तो छऊ था, ठीक है। अब हम लोग और कुछ देख लेते हैं झारखंड की जीके को।
इसके बाद जो है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो ये सोवियत रूस किस देश से सहयोग से जो है स्थापित किया गया था। सेकंड, झारखंड की तांबा उत्पादन खान कहाँ स्थापित की गई है? घाटशिला में। थर्ड, कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में कीनन स्टेडियम जो है स्टेडियम यहाँ जो है स्थित है, बहुत ही जमशेदपुर में प्रसिद्ध है ये स्टेडियम। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर जितने इंपॉर्टेंस पॉइंट रह गए फूड के उसको कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है तो थोड़ा एक आध टाइम जो है एक आध कहे तो पार्ट इसके और आएंगे, क्योंकि थोड़ा लेंथी है तो हमें चूँकि डीपली पढ़ना है ताकि हमारे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, इसलिए हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।